बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सनामी, किचन विद सनामी के साथ यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं ताहिरी, जो बच्चे और बड़े बहुत शौक से खाते हैं। इसके लिए जो मैंने चीज़ें ली हैं वो मैं आपको बताती हूँ। हमने लिए एक मीडियम साइज़ की प्याज बारीक स्लाइस करके रखी हुई है, वन हमने दालचीनी की स्टिक लिया है, दो हमने इलायचियाँ ली हैं ब्लैक वाली बड़ी, और लौंगे लिए हमने 6 से 7, और 5 से 7 हमने लिए हैं काली मिर्चें, ज़ीरा लिया हमने 1/2 टीस्पून, हमने लिए हरी मिर्चें 4 से 5, उसको बीच में से कट कर लिया है, 3 से 4 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, उनको बारीक बारीक मतलब लंबी लंबी स्लाइस में काट के रखा हुआ है यहाँ पर। उसके अलावा मैंने लिए हैं राइस, लिए मैंने 3 प्याली मैंने राइस लिए हुए, इनको मैंने वॉश करके अच्छे से और सिर्फ 5 मिनट मैंने भिगो के और इनको पानी इनका फेंक के यहाँ पे रखा हुआ है। ये नॉर्मल सिंपल जो हम लोग रेगुलर घर में राइस यूज़ करते हैं ये वही हैं। और इसके लिए मैंने 5 से 6 आलू लिए हैं और इनको भी इस तरह मैंने एक आलू के मैंने 4 लंबे लंबे पीसेज में काटा हुआ है। आलू आपकी मर्ज़ी, आप ज़्यादा लें या कम लें, ये आपके खाने पर है कि घर में आपके कितने शौक से आलू खाए जाते हैं। इसके अलावा हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 1.5 खाने का चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, और ये दही ऑप्शनल है। ये इसके अंदर ज़ीरा थोड़ा सा पिसा हुआ और पुदीना है, ये अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ये हमारे पास समझ लें कि ये हमारे पास रखा हुआ था रायता, लेकिन हमने मैंने इसको यूज़ कर लिया है कि घर में बची हुई चीज़ होती है तो इंसान मतलब हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो ये मैं अपने ऑप्शनल है, आप अगर है तो आप ठीक है डाल दें, वरना आप मत डालें। इसके अलावा हमने लिया है 1 टीस्पून यहाँ पर हमने सॉल्ट लिया, ये भी टेस्ट के मुताबिक है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा हमने लिए है 1 टीस्पून लिए हमने कुटी मिर्चें, और मैंने हल्दी ली यहाँ पे 1/2 टीस्पून। तो अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हमारा ये हम ऑयल डालेंगे, इसको हल्का सा गर्म होने देंगे, और इसमें प्याज ऐड कर देंगे, लाइट ब्राउन करेंगे प्याज हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारी प्याज लाइट ब्राउन हो गई है, अब हम इस पर गर्म मसाले सब ऐड करेंगे। इसमें टमाटर ऐड करेंगे, इसमें आलू ऐड कर देंगे, अदरक लहसुन ऐड कर देंगे और अच्छे से भूनेंगे। अब हम इसमें दही डाल देंगे जो मैंने आपको बताया था, और ये सारे मसाले हमारे पास ये हम डाल देंगे, तो 2 से 3 बार हम इसमें चम्मच चलाएंगे, और अब हम इसमें 1/2 गिलास पानी ऐड करेंगे और 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे ताकि अच्छे से हमारे आलू गल जाए, और कवर कर देंगे। अब हमारे 10 मिनट हो गए, अब हम देखते हैं आलू हमारे डन हो गए, ये देखें अच्छे से मसाला भी हमारा भुन गया है। देखिए एक आलू मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, ये देखें, बस हम अब इसमें ये हरी मिर्च डालेंगे, राइस डाल देंगे, और पानी ऐड करेंगे, पानी हम देख के आराम से ऐड करेंगे, थोड़ा सा और डालेंगे हम पानी। जो न्यू सीखने वाले उनके लिए मैं आपको बता दूं कि पानी ऐड करते वक्त आप लोग कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि पानी हमें कितना चाहिए, तो इसके लिए आप जो है ये एक पान मतलब राइस है अंदर और पानी आप जब डालेंगे तो पानी सिर्फ 1 इंच यानी 1 ये जो पोरा है ये इतना पानी ऊपर होना चाहिए, बस हमें इतना पानी चाहिए होता है, तो इससे हमारे चावल बिल्कुल सही बनते हैं। अब हम इसे उबाल आने देंगे, थोड़ी हाई फ्लेम करेंगे, देखिए ये उबाल आ गया है, और ये हमारा इस वक्त जब इस तरह चावल पानी यहाँ पे इस तरह ये देखिए आप छोटे छोटे अंदर यहाँ पे होल हो रहे हैं, सुराख हो रहा है यहाँ पे पानी के अंदर, तो इस स्टेज पे हम दम लगाते हैं, तो इस वक्त अब हम दम लगाएंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर, हम इसको छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। चावल का हिसाब ही यही कि 10-10 मिनट करके आप इसको छोड़ें, 10 मिनट के लिए अभी हम इसको दम लगाएंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर, और
कवर कर देंगे। 10 मिनट हो गए, अब हम देखते हैं। अब हम इसमें पहला चमचा चला रहे हैं, अभी तक हमने नहीं चलाया था। ये देखें, अब आप ये हमने अच्छे से इसमें चमचा चला दिया। अब हम इसे 8 मिनट के लिए दोबारा दम पर रख देंगे और बस फिर हमारी डिश रेडी हो जाएगी। 8 से 10 मिनट हो गए, आप देख सकते हैं हमारे राइस रेडी हैं। अब बस हम इनको डिश आउट करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं डिश आउट करके। ये देखें, ये देखें आलू की तहरी एकदम रेडी है, ये हमने डिश आउट कर दिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।